नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री को घेरने के लिए कांग्रेस की रणनीति के तहत एक बड़ी ऐतिहासिक सभा का कांग्रेस ने किया आयोजन, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे एवं जनसैलाब नसरुल्लागंज क्षेत्र में आज तक की सबसे बड़ी सभा के गवाह बने। हजारों लोग राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए दूर दूर से आए। ग्रामीण बुधनी विधानसभा में राहुल गांधी की एंट्री से बीजेपी में मचा घमासान। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पर तनज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए व्यापम घोटाला, मिड डे मील स्टंप घोटाला आदि बहुत से घोटालों में अपने परिवार सहित लिप्त रहे। अगर हमारी सरकार बनी तो 10 दिन से 11 दिन नहीं होगा और 2 लाख तक के पूरे किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। पहला काम 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद, 11 दिन नहीं होंगे, आप गिनती कर लेना मध्य प्रदेश के किसानों, आप गिनती कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 70,000 करोड़ रुपए हमने यूपीए के समय किए, पंजाब में कर्जा माफी की किसानों की, कर्नाटक में कर्जा माफी की, और दुनिया की कोई शक्ति मध्य प्रदेश के किसान की कर्जा माफ करने को नहीं रोक पाई। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।